एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही गंभीर विषय के ऊपर। ये जुड़ा हुआ है आपके मोबाइल सिक्योरिटी के ऊपर। जैसे कि आप जानते हैं, आज लगभग हर व्यक्ति अपने मोबाइल के बिना नहीं रह पाता, क्योंकि मोबाइल में आपकी इतनी सारी जानकारी होती है। आप चाहकर भी मोबाइल को पूरे दिन के लिए बंद नहीं रख सकते, क्योंकि उसके बिना आप शायद काम करना संभव नहीं है। व्हाट्सएप फेसबुक का यूज इतना ज्यादा चल गया है कि हमारे कई सारे बिजनेस और पर्सनल दोनों काम उनके बिना कभी पूरे नहीं हो पाते। सुबह से लेकर शाम तक हम मोबाइल में केवल वही काम करते रहते हैं। हम चाहकर भी उनसे हट नहीं सकते, क्योंकि अगर हम व्हाट्सएप का यूज नहीं करेंगे तो हमारे पास कई सारी की जानकारी आना बंद हो जाएंगे। तो मोबाइल का यूज तो करना भी जरूरी है, हाँ लिमिट में किया जाना सही है, लेकिन मोबाइल में तो हम कई तरह की जानकारी शेयर करते हैं, चाहे वो बैंकिंग से रिलेटेड हो, चाहे पर्सनल हो, चाहे किसी भी तरह की जानकारी हो। लेकिन अगर इन जानकारियां सुरक्षित ना रहे और कोई व्यक्ति आपकी इस जानकारी को एक्सेस कर पा रहा हो, तो सोचिए फिर क्या होगा। जी हाँ, जैसे आप व्हाट्सएप पे अगर किसी से बात भी कर रहे हैं और वो बात भी आपकी लीक हो रही है, आप फोटो वीडियो शेयर कर रहे हैं, वो भी किसी दूसरे पर्सन द्वारा रीड किए जा रहे हैं, या आपकी बैंक डिटेल भी कोई अदर पर्सन द्वारा देखे जा रहे हैं, तो आपका मोबाइल या आपकी बैंकिंग या आपकी पर्सनल लाइफ कितनी सिक्योर है, ये आप खुद ही समझ सकते हैं, क्योंकि सभी लोगों का ज्यादातर डाटा पर्सनल पूरी तरीके से मोबाइल में ही स्टोर होता है। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले भी फेसबुक और ट्विटर की मदद से ट्विटर ने अपने मोबाइल में हमारी तरीके की कॉन्टेक्ट लिस्ट, मैसेजेस, कॉल रिकॉर्ड, ये तमाम तरह की जानकारी उन्होंने अपने पास पाई गई थी, जो फेसबुक से आप आज भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था, आप चाहे तो वो देख सकते हैं। वहां पे हमारी प्राइवेसी खतरे में थी, वहां पे हमारी सारी डिटेल जो की है वो पूरी एक्सेस की जा रही थी फेसबुक ट्विटर की मदद से, और ये परमिशन हमने खुद दी थी अलाउ करके जब उसको एक्सेस कर, जब हमने उसको इंस्टॉल किया अपने मोबाइल में। ठीक इससे भी ऊपर एक और सिक्योरिटी फैक्ट अभी सामने आया है, जिसमें आपके मोबाइल की सिक्योरिटी को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है और सभी को सोचने विवश कर दिया है कि किस कंपनी का कितना कंट्रोल है हमारे मोबाइल पर। जी हाँ, अभी तक तो बात केवल रीड तक हो रही थी, लेकिन यहाँ तो अब बात राइट पे आ गई। मैं बात कर रहा हूँ UIDAI नंबर की, जो हाल ही में सभी मोबाइल एंड्रॉइड यूजर्स के मोबाइल में ऑटोमेटिक सेव हो रहा है। जी हाँ, आप चाहे तो अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट में जाके चेक कीजिए, UIDAI इस नाम से ऑलरेडी एक नंबर स्टोर होगा, उसके लास्ट में 1947 या फिर 1947 अकेला भी हो सकता है, ये नंबर स्टोर होगा। ये सेव किया गया है नंबर किसकी तरह से अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। ये एक तरह से हैक कर आपके मोबाइल में नंबर स्टोर किया गया है, और एक तरह से बताने की कोशिश की गई है कि मोबाइल में आपका कितना कंट्रोल है और कितना नहीं, और मोबाइल में आपका डाटा कितना सिक्योर है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति आके आपके मोबाइल में कॉन्टेक्ट नंबर ऐड कर सकता है, तो इसके अलावा वो क्या क्या नहीं कर सकता, वो रीड भी कर सकता है आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट को, वो बहुत कुछ कर सकता है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपका एक घर है, आपके घर में कोई व्यक्ति आके चुपचाप बैठ जाता है, तो कैसा होगा? ये बिल्कुल जैसे ही है आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में आके नंबर अपने आप सेव हो गया, ये बिल्कुल उतना ही डरावना है जितना आपके घर में बैठा हुआ व्यक्ति। ये सिक्योरिटी को पूरी तरह से प्रभावित करता है, क्योंकि जब आपके मोबाइल में कोई व्यक्ति राइट कर सकता है, तो वो प्रोग्राम भी राइट कर सकता है, यानी प्रोग्राम को लिख कर आपके मोबाइल की सिक्योरिटी को या अपने मोबाइल के डेटा को पूरी तरह से लीक या चोरी कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। उसको करने से क्या हो, वो काफी अच्छे से आप लोग जानते होंगे, अभी थोड़े दिन पहले रैंसमवेयर एक वायरस आया था अटैक, उसमें भी सेम हुआ था, वहां पे आपके डाटा को लॉक कर लिया गया था और फिर आपसे रैंसम यानी कुछ फरौती की मांग की गई थी, कई गवर्नमेंट ऑफिस में इसका सामना करना पड़ा। लेकिन पर्सनल डेटा में आपकी कोई पर्सनल जानकारी उनके पास लग जाती है हाथ में, तो वो आपसे उसको ब्लैकमेल कर सकते हैं। ब्लैकमेल करने के बाद आपको उनको पे करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो उसको पब्लिश कर सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा रिस्की है। अब इससे बचा कैसे जाए या इससे क्या किया जाए, क्यों हो रहा है, इसके बारे में और जानकारी हम लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो UIDAI यानी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, UIDAI यानी आधार ने इसकी पूरी तरह से जिम्मेदारी नहीं ली है, उन्होंने साफ मना कर दिया हमारी तरफ से ऐसा कोई नंबर सेव नहीं कराया गया। दूसरा, सर्विस प्रोवाइडर आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन, इन्होंने मना कर दिया हमारी सिम में इस तरह कोई नंबर प्रोवाइड नहीं कराया जा रहे। अब तीसरी बात आती है एप्स की मदद से, तो हाँ एप्स जो है, ज्यादातर एप्स जो है या एंड्रॉइड है पूरा गूगल पे डिपेंड करता है, तो ये पूरी जिम्मेदारी गूगल ने, जी हाँ गूगल ने एक्सेप्ट कर ली है, अपनी गलती गूगल ने मान ली है और गूगल ने खुद एक्सेप्ट किया है। अभी हाल ही में ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ, लेकिन अभी 2 से 3 घंटे पहले गूगल ने एक स्टेटमेंट रिलीज किया है, जिसमें उसने साफ कहा है कि हाँ ये सिक्योरिटी फैस हमारी तरफ से हुआ है, हम इसके बारे में पूरी जांच कर रहे हैं। और दूसरा, उन्होंने खुद ये मैसेज दिया है कि आप लोग इस नंबर को डिलीट कर दें मैनुअली, यानी आप खुद जाके इस नंबर को डिलीट कर दें, क्योंकि ये कोई वैलिड नंबर नहीं है, अगर आप इस पर कॉल करेंगे तो कोई कॉल नहीं लगेगा। एक्चुअली UIDAI का एक पुराना टोल फ्री नंबर था जो अब बंद हो चुका है, और उनका नया नंबर 1947 है, लेकिन ये ऑलरेडी पुराना नंबर सेव हो रहा है, ये एक सिक्योरिटी
पैसे ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। गूगल इसके बारे में जांच कर रहा है, गूगल खुलकर भी कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन हम खुद समझना चाहिए कि हमारी प्राइवेसी कितने खतरे में है। बस मैं यही जानना चाहूंगा कि आप अपनी सिक्योरिटी को या अपने मोबाइल में जितनी भी चीजें हैं उनको आप थोड़ा सिक्योर करके रखें। अब सिक्योरिटी बिल्कुल रही नहीं तो आप कोशिश करें कि आप अपने डेटा को इस तरह से ना रखें या आप हर किसी एप्स को डाउनलोड ना करें। अब जब गूगल जैसी कंपनी इतनी बड़ी गलती कर सकती है तो फिर बाकी एप्स का, बाकी स्टोर का तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि आप प्ले स्टोर से सारी एप्स डाउनलोड करते हैं। इसके अलावा और भी स्टोर्स होती हैं, वहां क्या हो रहा होगा वो तो फिर आप बेहतर समझ सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो सुरक्षित रहें, सिक्योर रहें और तरह की जानकारी देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।